तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ शक्तिमान कंपनी का रोटावेटर जो कि मेरे महिंद्रा 575 के साथ लगा हुआ है। तो दोस्तों इसमें राइट साइड का जो बैरिंग है वो चला गया था तो अच्छे से चल नहीं रहा था, इसलिए हम आज यहाँ पे चेंज करने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो स्क्रूज लगे हैं ये टाइट हो चुके हैं, खुल नहीं रहे। तो देखा ना दोस्तों, मैंने इसको मशीन से काटा, बाद में ऐसे छीनी से इसको ठोक ठोक के निकाल रहे। आप देख सकते हो ये जैक लगा के इसको स्टेबल किया हुआ है ताकि ये नीचे ना आ जाए दोस्तों। तो ऐसे करके मैंने पूरा स्क्रू काट दिया है, आप देख सकते हो वीडियो में। और अभी दोस्तों देखो ये ऐसे करके, मतलब मेरा जो पुराना जो बैरिंग था ना उसका, मतलब ऐसे ये बस इतना ही बचा है। चार उसके जो आते हैं छरा बोलते हैं कोई, उसको मतलब अलग अलग नाम से जानते हैं। इसको मतलब निकालने में बहुत टाइम लगता है दोस्तों, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। और कई बार तो ये जो छीनी होती है वो भी मतलब आगे से वो बिगड़ जाती है, तो उसको भी घिसाई करनी पड़ती है। बहुत ही जहमत के बाद दोस्तों ये निकलता है, आप देख ही सकते हो वीडियो में। अभी ये इतनी जहमत के बाद मैंने ये निकाला है, अभी इसको थोड़ा पानी से वॉश कर देंगे और अच्छा अच्छे से कंप्लीट कर देंगे ताकि दूसरी बार ऐसा दिक्कत ना आए और लंबा चले, अच्छी सर्विसिंग हुई हो तो। तो ये मैंने पानी से धो दिया है दोस्तों। ये थोड़ा जो बॉर्डर आता है वो थोड़ा बिगड़ गया था तो उसको भी मैंने पक्कड़ से सही कर दिया है। ऐसे करके दोस्तों ये देखो, ये नया वाला रबर है, मैं आपको पुराना वाला भी दिखाऊंगा, दोनों कंपेयर करके भी दिखाऊंगा। और दोस्तों ये है नया वाला बैरिंग जो यहाँ पे लगेगा, ये महिंद्रा कंपनी का ओरिजिनल बैरिंग है जो कि शक्तिमान के रोटावेटर में लगता है। तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ नंबर वगैरह और बाद में यहाँ पे महिंद्रा ऐसा लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा बैरिंग है दोस्तों। और इसको लगाने के लिए देखो, अभी ये यहाँ से ये लॉक आता है, ऐसे ये पूरा लॉक होता है, तो इसको भी हमने निकाला दोस्तों। ये काम में बहुत मेहनत लगती है, मतलब शायद तो मेरा आधा दिन निकल गया था ये रोटरी को कंप्लीट करने में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसको मतलब कैसे बहुत मार मार के इसको, मतलब इसके सारे पार्ट्स निकालने पड़ते हैं, उसके बाद लगाते हैं सभी। ये देखो दोस्तों पुराना वाला रबर कैसा हो चुका है, ये नया वाला है और ये पुराना वाला है, मतलब पुराने वाले की तो पूरी धज्जियां उड़ गई है दोस्तों, आप देख सकते हो वीडियो में। तो ऐसा होता है, मतलब जो ये हैवी पार्ट्स होता है ना, मिट्टी में काम करता है डायरेक्टली, तो इसको ऊपर बहुत लोड पड़ता है, तो इस हिसाब से ये ऐसा हो जाता है। इसके बाद दोस्तों ये देखो, ये मैंने फिर से अभी नया जो है वो इंस्टॉल कर रहा हूँ इसके अंदर, ऐसे करके ये मैंने टाइट भी कर दिया। अभी इसके ऊपर हम बैरिंग रखेंगे और साथ साथ में ये जो बैरिंग है उसको थोड़ा ग्रीस लगा के प्रॉपर तरीके से ही यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे ताकि ये अच्छी चले और अच्छी अच्छे से घूमे, स्मूथली घूमे। और जो भी किसान भाई है उसको वापस से इधर ना आना पड़े। ये देखो दोस्तों, ये मैंने लॉक फिर से लगा लिया ताकि बैरिंग ऐसे बाहर ना निकल आए। अभी ये मेरा कंप्लीट होने ही वाला है, अभी मैं इसको फिर से रोटरी में लगा दूंगा। तो ये दोस्तों मैंने ग्रीसिंग कर दिया और यहाँ पे एक पिन आती है जिससे वो बैरिंग पे अगर लोड भी पड़ेगा तो वो बाहर नहीं आ जाएगा, तो वो पिन भी हमने निकाल ली। उसको शायद से कटर पिन भी बोलते हैं, कई लोग अलग नाम से अलग अलग बोलते हैं। और ये देखो हमने फिर से यहाँ बैरिंग के साथ वो रोटरी का जो शाफ्ट है उसको फिटिंग कर दिया है, ये आप देख सकते हो दोस्तों। इसके बाद हमने ये थोड़े बहुत स्क्रू भी टाइट कर दिए। अभी इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो शाफ्ट का जो बैरिंग की सेफ्टी के लिए जो स्क्रू होता है वो बड़ा बड़ा वाला है, उसका मतलब 50 नंबर का जो पाना आता है, जो टूल्स होता है उससे ये टाइट होता है। तो दोस्तों आप देख ही सकते हो ये कितना बड़ा टूल है जिससे हम ये फिट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हमने बहुत ही अच्छे से इसका सर्विस करके पूरा नया बैरिंग डाल दिया है और अभी इसको टाइट भी कर दिया है, आप देख सकते हो।
दोस्तों अगर आपके ट्रैक्टर में कुछ प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम इसका सॉल्यूशन आपको देंगे। ये हमने बैरिंग का जो कवर है वो भी टाइट कर दिया है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा हमारा जो रोटावेटर है बहुत ही स्मूथ तरीके से घूमेगा, ये देख सकते हो आप। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलें।